एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क पे गोवा के, ये ब्रिज जो आपको टूटा हुआ दिख रहा है, ये वेरी हिस्टोरिकल ब्रिज है जो गोवा लिबरेशन मूवमेंट के टाइम पे एक बड़ा इसका हिस्ट्री है कि इंडियन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे डर कर पोर्तुगीज जो गवर्नमेंट है उसने इसको बॉम्बिंग करके उड़ा दिया था। तो इट्स अगेन इट्स अ प्राउड हिस्टोरिकल मार्क लैंडमार्क फॉर अस। मडगांव के पास सेंटिमल में डिमेलो हाउस जो हॉन्टेड है वो देखने के बाद टुवर्ड्स फोंडा अराउंड 5-6 किलोमीटर दूर हम एक नॉट मच नोन प्लेस देखने, जो हिस्टोरिकल होने के साथ साथ वो एरिया भी हॉन्टेड है, पहुँचे। ये लिटोलिम में बिगफुट के से भी करीब 2-3 किलोमीटर पे ही है और चौगुले शिपयार्ड इज लैंडमार्क, इसका नाम है ओल्ड बोरिम ब्रोकन ब्रिज। आइए एक्सप्लोर करते हैं। ओल्ड बोरिम ब्रिज जो अभी बंद कर दिया गया है बिकॉज बीच में से टूटा हुआ है, करीब 100+ ईयर ओल्ड है, जो 1961 तक यूज़ में था। और जैसा आपको मालूम होगा, ड्यूरिंग एनेक्सेशन ऑफ गोवा या गोवा लिबरेशन जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे जब जो इंडियन फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स एंड इंडियन आर्मी जब पोर्तुगीज लोगों के साथ फाइट कर रहे थे, गोवा के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तब लास्ट मोमेंट में इस ब्रिज को अराउंड 18 दिसंबर 1962 में पोर्तुगीज बॉम्बिंग करके उड़ा दिया था। उसके बाद इसे तो वेरी इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी थी साउथ गोवा को मेनलैंड से जोड़ने के लिए, ये जुआरी रिवर पे रिपेयर भी किया गया बट ये समहाउ लास्ट नहीं कर सका। और फिर वो आज का जो बोरिम ब्रिज है जो आपको अभी दिख रहा है, उसका गैमन इंडिया ने सम 70s-80s में कंस्ट्रक्शन किया, एंड ये ब्रिज जो आजकल यूज़ करते हैं वो भी मिडनाइट के टाइम पे यहाँ पे कुछ ऐसा देखा गया है कि ये भी हॉन्टेड डिक्लेयर्ड किया हुआ है, स्पेशली मिडनाइट के टाइम पे यहाँ से लोग जाने को अवॉइड करते हैं। इसमें करंट ब्रिज से भी, पुराने ब्रिज का तो आपको देखा ही है सामने, ये चोगले शिपिंग भी है पास में, वो वहाँ आपको दिख रहा है जो वहाँ शिप मैन्युफैक्चरिंग होता है। और कंस्ट्रक्शन देख के ही समझ में आता है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी, गुड टू सी, इट्स ए प्राउड लैंडमार्क ऑफ आवर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। थैंक यू।